नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल में बूथ लिस्ट कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें आप अपने पंचायत का बूथ लिस्ट देख सकते हैं। आपके पंचायत में कहाँ कहाँ बूथ बनाया गया है और आपका बूथ कहाँ पर पड़ने वाला है, इसके लिए एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। आपका मतदान किस बूथ पर होने वाला है, और साथ में अगर आपका बूथ में कोई भी परेशानी होती है, जैसे कि आपका बूथ आपके घर से बहुत दूर है या और भी कोई परेशानी होती है, तो आप लोग ऑनलाइन इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपना बूथ लिस्ट कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने मोबाइल में टाइप करेंगे गूगल में जाके स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार। इसको सिंपली टाइप करने के बाद आप सबके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, जो कि आप लोग के यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप सबके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले यहाँ पे बूथ लिस्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, जो कि अब यहाँ पर बूथ लिस्ट शो कर रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जो कि देख सकते हैं, अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना, अपने प्रखंड का नाम और अपने पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना सारण ज़िला सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना प्रखंड का नाम सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर अपने पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका पंचायत पड़ता है तो उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं जी, आपका आपके क्षेत्र में जितना भी वार्ड है, पंचायत में जितना भी वार्ड है, उस सब का लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो भी वार्ड पड़ता है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा किस बूथ पे पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं केंद्र नंबर है, वार्ड नंबर है, मतदान केंद्र का नाम लिखा है, विलेज टोला सब लिखा है, टोटल कितने मतदाता हैं आपके वार्ड में, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कोई भी बूथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, शिकायत या सुझाव देना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं समाधान केंद्र, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समाधान केंद्र का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ पर आप लोग इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, कंप्लेंट शिकायत पंजीकरण, जैसे मतदान केंद्र से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप लोग यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंप्लेन टाइप यहाँ पे चूज करेंगे, तो रूलर से हम लोग आते हैं, ग्रामीण एरिया से, तो सब लोग के यहाँ रूलर ही रहेगा। यहाँ से कंप्लेन करने वाले का नाम से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और यहाँ पे कंप्लेंट सुझाव या सूचना देना चाहते हैं करना है, या इन्फॉर्मेशन देना है, या सजेशन देना है, तो हम लोग सिंपली सजेशन पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, प्रकार यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतदान केंद्र संबंधी हम लोग शिकायत करना है, तो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अपने ज़िला सेलेक्ट करेंगे, जो भी ज़िला में आप रहते हैं वहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ज़िले का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी प्रखंड पड़ता है यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका वार्ड पड़ता है, जो भी उसमें गड़बड़ी दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे निजी भवनों या परिसर में मतदान केंद्र स्थापित हो, मतदान केंद्र पुलिस थाना अस्पताल या डिस्पेंसरी मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में स्थापित हो, या वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर केंद्र स्थापित हो, यहाँ मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करना पड़ता हो, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना कंप्लेंट के बारे में लिख सकते हैं, जो बता रहा है यहाँ पे 500 वर्ड में आपको यहाँ पे कुछ कंप्लेंट लिखना है। तो आप लोग जो भी सुझाव देना चाहते हैं या कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 500 या उससे कम में आप लोग शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद उसका फ़ोटो है तो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, या वीडियो आप चाहें तो वीडियो भी बनाकर, छोटा वीडियो बनाकर आप लोग वहाँ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो जहाँ भी होगा वहाँ से आप लोग वीडियो को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे कैप्चा लिखा रहेगा उसका कैप्चा को भर के यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो आपका कंप्लेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। अगर साइट से वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं 2021 का, तो फ्रेंड्स मैंने इस पे वीडियो बना दिया है ऑलरेडी पहले ही। आप लोग मेरे आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग अपने वार्ड का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।